नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल होगा ज़रूर में। जी हाँ, अगर हम दिल और मन से कुछ भी काम करेंगे तो ज़रूर होगा, यही मेरे चैनल का नाम और यही इसका मेन मोटिव है। और आज के इस वीडियो में हम मैंगो कुल्फ़ी, वो भी घर पे इजीली बनाना सीखेंगे। कुछ सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज़ ज़रूर किए हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो के दौरान अगर हम वो इंग्रेडिएंट जो कि हमें बाज़ार से लाने पड़े हैं, जैसे कि अमूल फ्रेश क्रीम, तो अगर हम वो ना यूज़ करना चाहें और घर पे ही अवेलेबल प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहें तो कैसे कुल्फ़ी को बनाएं, वो भी बताया है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखकर कुल्फ़ी को ट्राई करें, और अगर कुल्फ़ी की रेसिपी आपकी अच्छी बन जाती है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को थम्स अप का आइकन क्लिक करके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड आइकन है, उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अगर आप घंटी का बटन भी दबा लेंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाएगी। ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मैंगो कुल्फ़ी की ये रेसिपी तो हर एक को पसंद आने वाली है, तो शेयर करें इन रेसिपीज़ को अपने ग्रुप और अपने फ्रेंड सर्कल्स में। इस कुल्फ़ी को बनाने की विधि बहुत ईजी है, तो आइए मेरे साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें काम करना है, आम लेना है खूब अच्छे से पका हुआ। किसी भी क्वालिटी का मैंगो ले लीजिए और अच्छे से वो पका हुआ होना चाहिए, अच्छे से उसमें से पल्प अच्छा सा मिल जाए, ताकि हमें इसका हम जो है पल्प निकाल लेंगे। पल्प हमने इकट्ठा कर लिया। इन छिलकों को आप फेंकिए मत, आप अपने देसी तरीके से इनको खा सकते हैं। इनमें काफ़ी पल्प है जो कि चम्मच वगैरह से नहीं निकलता। अब इसको हम मैश करेंगे। मैं प्रोसेसर में यूज़ कर रही हूँ, पर इसमें ग्राइंडर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। तो आज मैंने इसमें चटनी बनाई थी, तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा प्याज वगैरह का फ्लेवर ना आए, बस इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अब इस मिक्सचर को हमें बाउल में निकाल लीजिए। पल्प उसको बीट करते हुए पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ये अपने आप से ही सॉफ्ट हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखिए। इसमें बिल्कुल एक चुटकी नमक डालेंगे। ये हमने इसको थोड़ी देर इस तरीके से विस्क कर लेना है, आप किसी भी कांटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मैंने यहाँ अमूल क्रीम ली है, ये 250 ml है, तो हमें इसमें से सारे की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें से थोड़ी सी रखकर 200 ml के करीब हम इसमें डाल देंगे। ये 200 ml हमने इसमें डाल दी और इसको भी मिक्स कर दिया। अब इसमें मीठे के लिए आप चीनी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ यूज़ कर सकते हैं, तो ये शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप कुछ भी 3 चम्मच, या आप यहाँ पे कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। तो चीनी से हमेशा गुड़ खाना अच्छा रहता है, तो हम ये शक्कर है, गुड़ पाउडर, सिंपल चीनी भी आप चाहें पीसी हुई जो घर में हम ग्राइंडर में पीस लेते हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप इसमें मिक्स कर दीजिए।
अब ये जो कलर है हमारी कुल्फी का, वो कई बार क्या होते हैं कि जो मैंगो का कलर अपने आप में ऐसा आ जाता है कि खूब येलो येलो कलर बन जाता है, और कई बार वो कलर नहीं आ पाता, तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंगो के कलर पे डिपेंड करता है। इसको आपस में मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। 2 टेबलस्पून हम इसमें जो है मिल्क पाउडर के डालेंगे। ये पूरा पैकेट है जो 10 रुपीस का आता है, इसमें 20 ग्राम ही रहता है नियर अबाउट, तो ये पूरा पैकेट डल जाएगा। इससे क्या होगा, मिल्क पाउडर की एक खासियत होती है कि जितना भी मॉइस्चर रहता है मैंगो पल्प में या किसी भी चीज़ में, वो सोख लेता है। और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारी कुल्फ़ी बनेगी बहुत ज़्यादा मलाईदार बनेगी और अच्छी तरह जमेगी, उसमें आइस क्रिस्टल की दिक्कत नहीं आएगी, और ये मिल्क पाउडर जो है वाटरी कंटेंट को सोख लेगा। तो शुगर को भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसमें अगर आप फ्रेश क्रीम जैसे बाज़ार से लानी पड़ी है हमें अमूल की, वो नहीं यूज़ करना चाहते, उसकी जगह आप मलाई, इसका आप टेस्ट करके चेक कर लेंगे, बिल्कुल भी ख़राब खट्टी नहीं होनी चाहिए, वो यूज़ कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं, फिर आपको मीठा भी डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक इसमें क्यों डाला है, जिससे कि नमक डालने से जो चीज़ का टेस्ट है वो बैलेंस हो जाता है, और नमक से इसमें अच्छा एक फ्लेवर आएगा और चीज़ें आपस में बैलेंस हो जाएंगी। और जो हमने शक्कर डाली है उसकी जगह आप चीनी पिसी हुई डाल सकते हैं और कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। एक और चीज़ आप इसमें कर सकते हैं, आप 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, तो फिर आपको क्रीम भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्रीम नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। तो ये सब चीज़ों को आपस में ब्लेंड कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। अब इसको जमाने के लिए आप टिन का, एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ कर सकते हैं, टिन का, प्लास्टिक के जो हमारे डिस्पोजेबल ग्लासेस रहते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, थर्माकोल वाले जो ग्लासेस रहते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का कोई डिब्बा है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ग्लासेस हैं मेरे पास सिंपल, हम इनका यूज़ करने वाले हैं। देखिए कितना क्रीमी टेक्स्चर है इसका, इतना ही भरेंगे हम और इसको कवर करेंगे फॉयल से। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, कुल्फ़ी मोल्ड में भी डाल रहे हो तो 2/3 ही डालें, इतना बिल्कुल पूरा ऊपर तक नहीं भरें, नहीं तो फ्रीज़र में फिर वो ठीक से जम नहीं पाता है। इनको हम फ्रिज में रख देते हैं। इस तरह की सिंपल ट्रे है आपके पास, उसमें भी जमा सकते हैं आप, इसको भी फ्रिज में जमा देते हैं। हेलो एवरीवन, इट्स नेक्स्ट डे नाउ। मैंने ओवरनाइट कुल्फी जमने के लिए रख दी थी, तो आइए फ्रिज से निकाल कर लाते हैं इसको। इसको भी मैंने रैप कर दिया था क्योंकि थोड़ा आइस जमने का लग रहा था। इसमें से आपको 2 स्कूप कम नज़र आ रहे होंगे जो कि बच्चों ने खा लिए हैं, और ये हमारी इस तरह की अगर टूथपिक है जैसे हमारे पास, उससे भी हम इन आइसक्रीम्स को निकाल सकते हैं। जैसे कि इसको हमने कहा सा अगर हम थोड़ा सा इसको प्रेशर किया हमने, कितनी सुंदर ये जो आइसक्रीम है हमारी,
बहुत आराम से ये इसमें आप चाहें तो इस तरीके से इसके 3 आइसक्रीम भी एक से बना सकते हैं बहुत ईजली। तो ये 2 मिनट हो गए फ्रिज से निकाले हुए, तो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा ही प्रेशर लगाया मैंने और ये सब स्टिक्स जो हैं इसके अंदर चली गई हैं। पानी में डाल दीजिए। गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी में भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए इसमें कलर डाला था इसलिए ये इस तरीके का कलर आया है। ये जो नेचुरल मैंगो का कलर है वो वाला कलर आया है। तो इसको आप चाहें तो इस तरीके से एक ही की आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। बच्चे यहाँ वेट कर रहे हैं खाने के लिए, तो फटाफट हम काटते हैं और ये पिघल भी जाती है फटाफट। तो इसको आप इस तरीके से चाकू रख के और यूँ प्रेशर से हल्का सा प्रेशर ही करेंगे। ये देखिए ये बन के रेडी हो जाएगी और इसको आप लॉलीपॉप जो हमने बनाई है टूथपिक में आप इसको इस तरीके से नीचे जरूर रखिए इसके, ताकि क्योंकि ये मेल्ट होगी जल्दी जल्दी। इस आइसक्रीम को अब खाकर भी देखा जाए। इट्स वेरी टेस्टी। क्रीमी फ्लेवर है, मैंगो का इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें। तो आप भी जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।